वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल परमानेंट एजुकेशन। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम तो देखेंगे कि हम अपने बोर्ड एग्जाम्स को किस तरीके से प्लान के तहत क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से आपने अपने बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ठीक है स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि आपके बोर्ड के पेपर्स होने वाले हैं, ये आपको ही पता है, हमें भी पता है, क्योंकि आपके डेट शीट की अनाउंसमेंट कर दी गई क्लास 9 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के भी एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट जब आपका जो न्यू सेशन स्टार्ट होता है स्टूडेंट, मैं उस दिन से आपके लिए इस कैमरे के सामने खड़ा होता हूँ और आपके बोर्ड के पेपर से रिलेटेड और आपके बोर्ड के पेपर की तैयारी से रिलेटेड मैं तमाम टॉपिक्स आपको बता रहा होता हूँ। और आज क्या हुआ है, आज वो दिन मतलब क्या हो चुका है, काफी गुजरने के बाद, पूरा एक साल पढ़ाने के बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन आपके पेपर्स स्टार्ट होने वाले होते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज और तमाम चीजें आ रही होती है और पूछ रहे होते हैं कि सर हम अपने बोर्ड के पेपर्स को किस तरह से प्लान करें, हम अपने बोर्ड के पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें और हम अपने बोर्ड के पेपर के फर्स्ट डे जो होता है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, अपने बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कर सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो ये इंशाल्लाह आपके लिए क्या होगी, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अभी दोनों क्लास आपके बोर्ड के एग्जाम्स होने में, ठीक है, याद रखना स्टूडेंट, अगर जब भी आपके पास इस तरह का हो जाए और आपको पता ना हो कि किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ूं और किस सब्जेक्ट की तैयारी करूं, ठीक है, तो इन तमाम चीजों से ना इंसान ना काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है और वो अपने बोर्ड के एग्जाम्स के दिन को क्या करते जाते हैं, खोटे जाते हैं और खो खो के क्या होता है, वो लास्ट डे पहुंच जाता है जिसके दिन अगले दिन क्या होता है, पेपर होता है। तो स्टूडेंट, आपको अपने पेपर्स की तैयारी किस तरीके से करनी है अगर आपके पास उर्दू है, ठीक है, कंपल्सरी में, और क्या स्टूडेंट इस्लामियात है, ठीक है, इस्लामियात के साथ साथ स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, इस्लामियात के साथ साथ आपके पास होगा पाकिस्तान स्टडीज, ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, आपके पास एक और सब्जेक्ट होता है जो कि क्या होता है, इंग्लिश होता है, ठीक है। आई थिंक देखिए, आपके पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके बोर्ड के पेपर्स में आते हैं। अगर आप किसी एक क्लास रूम में, तो तकरीबन तीन सब्जेक्ट्स होते हैं कंपल्सरी, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का मैंने साथ देख दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप क्या कहते हैं, अगर आपके पास अभी 10 days लेफ्ट है, ठीक है, 10 years लेफ्ट पे याद रखना है कि इसमें से आपने 6 दिन निकाल दिए, ठीक है, 6 दिन निकाल के फिर 3 subjects को तैयार करने में। अगर आप किसी ग्रुप से फर्स्ट ईयर से होगे तो आपके पास यकीन है आपके पास इस्लामियात होगा, उर्दू होगा और इंग्लिश होगा, ठीक है, और अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आपके पास इंग्लिश, PST और उर्दू होगा, ठीक है। अगर 9 में हो तो इसके सिर्फ कोई 3 ही subjects होंगे जो कि क्या होंगे, आपके एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उर्दू को फौरन से निकाला है इन 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, पहले कि 2 दिन लगाकर जो जो इम्पोर्टेंट है, स्मार्ट वर्क है, उसे क्या करना है, आपने करके कंप्लीट करना है। इससे इस्लामियात को भी 2 दिन निकाल के क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज को भी निकालना है 2 दिन में कंप्लीट करना है, और इंग्लिश को भी ऐसा करना है कि आपने 2 दिन में कंप्लीट करना है। अगर आप इसकी तैयारी पहले करके नहीं रखोगे ना, सबसे ज्यादा क्या होता है, यही सब्जेक्ट आपका जिम्मेदार होता है आपकी परसेंटेज जो होती है उसको डाउन करने में, ठीक है, परसेंटेज को डाउन करने में सबसे ज्यादा क्या होता है, आपके पास ये सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपकी परसेंटेज को डाउन कर देते हैं, क्योंकि आप पूरे साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये चीजें पढ़ रहे हो, लेकिन इन तमाम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के ऊपर आप ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, वो 6 दिन के अंदर आपने इसकी तैयारी करनी है। जैसे कि मैं 9th class की बात करूँ या 5th class की बात करूँ, तो 6 दिन में आपने ये तमाम तैयारी कर ली, फिर आपके पास सेमेस्टर 4 है, तो 4 दिन में आप क्या करना है, 4 दिन में आपको जो फर्स्ट पेपर है, कौन सा पेपर, फर्स्ट पेपर है, जैसे कि किसी स्टूडेंट का बायो का फर्स्ट पेपर होगा तो किसी स्टूडेंट का क्या होगा, कंप्यूटर का फर्स्ट पेपर होगा, तो इन 4 दिन आपने फर्स्ट पेपर के लिए निकाल के रखना है, लास्ट के 4 दिन। इससे क्या होगा, आपके ना बोर्ड के पेपर्स पे क्या हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, कि अगर आप फर्स्ट पेपर अगर आपका अच्छा चले गया ना, तो आप मोटिवेट हो जाओगे, हाँ भाई मेरे बाकी पेपर्स भी अच्छे जा सकते हैं क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा गया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 दिनों में फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है और बाकी जो मैंने बताया 6 महीने पहले निकाल करने क्या करना है, आपने इंग्लिश उर्दू पाकिस्तान स्टडीज या फिर इस्लामियात की तैयारी करने की, ताकि क्या हो सके, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। अब एक और सवाल रहता है स्टूडेंट, कि अगर आपका केमिस्ट्री का पेपर है या मैथ्स का पेपर है या फिजिक्स का पेपर है, तो आपके पास थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी तैयारी कैसे करें, 1 दिन का गैप है या 2 दिन का गैप है, ठीक है। तो अगर आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो आप क्या करना है स्टूडेंट, उन टॉपिक्स को पहले सिलेक्ट करना है जिसके नंबर आपको मिलेंगे, जिसमें याद करना ज्यादा नहीं हो, ठीक है,
जैसे कि मैं कहूँ कि आपके पास क्या स्टूडेंट केमिस्ट्री है ठीक है, और आपके पास एक दिन है और रिविजन करना है ठीक है। तो रिविजन करने में सबसे पहले बोलूंगा कि आप न्यूमेरिकल्स को क्या करो, आप कंप्लीट करो, क्या करो न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले रिविजन में कंप्लीट करके खत्म करो। न्यूमेरिकल्स जब आप कर लोगे तो फिर मैम क्या करो, उसके बाद आपने लॉ क्वेश्चन को कम्प्लीट करना है ठीक है। शाम तक आपने न्यूमेरिकल कम्प्लीट किया, शाम के बाद जो अगला दिन है उसमें आपने क्या किया, लॉ कम्प्लीट किया, क्योंकि इन दोनों सवाल क्या होते हैं, थोड़ा कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं ठीक है। फिर क्या होता है जो अगला दिन होता है, जो आपको पूरा एग्जाम का पेपर आने के बाद की बात करो, न्यूमेरिकल और लॉ को कम्प्लीट करके रखना है ठीक है। कम्प्लीट करने के बाद फिर जो अगला दिन होगा, जो पूरा दिन आपको मिलेगा, उसके अंदर आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है। इसकी तैयारी करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है, और शॉर्ट क्वेश्चन की भी कैसे तैयारी करनी है, जो 5 ईयर 10 ईयर और आपके जो कॉलेज पेपर्स में आते हैं उसको सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से करना है, ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर से तैयारी हो सके। तो इस तरीके से आप अगर फॉलो करोगे तो आपका जो हर पेपर होगा वो आराम से निकल जाएगा। अगर हर चैप्टर्स के लॉन्ग और शॉर्ट साथ करने लगो, फिर न्यूमेरिकल करने लगो, तो इस तरह से तुम लोगों का टाइम वेस्ट होगा और आप तैयारी भी कर नहीं सकोगे। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन अच्छी रखना, तो इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर से पेपर अच्छे आएंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने घर को दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।